हाय गाइस, वेलकम टू दिवा मंत्रा। दिस इज दिव्या, योर होस्ट फॉर दिस चैनल। और यह है एक रिएक्शन वीडियो। अगर आपको ये रिएक्शन देखना है तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जी हाँ। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक करना, कमेंट करिए, करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने छोटे से एक इंट्रो के बाद। Guys, so I'm back after the break, और आज मैं बात करने वाली हूँ चांदनी ब्यूटी जोन की। पता है क्यों? क्योंकि कल मुझे मेरे किसी सब्सक्राइबर ने बताया कि इनके हस्बैंड ने तो इनकी फ्रॉक ही उड़ा दी। 10:55 पे आई गेस, 10:55 पे या ऐसे ही कुछ टाइम है, वहां पे उनकी फ्रॉक उड़ा दी उन्होंने, ऐ करके मुंह बना रहे हैं। ये आदमी अक्सर ही ऐसी चीजें करता है एंड इनकी वाइफ ही करती है। ये दोनों मिल करके अश्लीलता पे अश्लीलता परोसते हैं अपने चैनल पे और इनके सब्सक्राइबर्स वो देख करके खुश होते हैं। आप लोग खुद जाके देख लीजिएगा, जहां पे इन्होंने पीले रंग की फ्रॉक पहनी हुई है वहां पे इनके हस्बैंड ने यूं उड़ा दी है, क्योंकि कहती है अभी अगर हवा आएगी तो ये यूं उड़ जाएगी। ओह रियली, हम लोग को तो पता ही नहीं था कि हवा आने से कपड़े उड़ते हैं। तो इनके हस्बैंड ने बोला उड़ जाएगी, रुको मैं ही उड़ा देता हूँ, ले। And then he thinks and then he assumes that it's looking very healthy, it's looking very funny, I'm looking very smart, very wannabe, very yo kind of husband. Really? That was shit. That was cheap. That was bulls. तो ये जो हरकत आप लोग गंदी वाली करते हैं ना, ये पहली बार नहीं की है इन्होंने। गाइस, ये पहली बार नहीं की है, ये इनके चैनल पर अक्सर होता रहता है। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने मेंशन किया था कि ये बोलते हैं कि मेरी बीवी तो शेर है, 3 महीने में बच्चे पैदा करके दे देगी। आप लोग वेट क्यों कर रहे हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, भाई आप लोग तो 3 महीने में करने वाले थे। शेर शेरनी की जोड़ी हो ना आप लोग तो। मतलब आप लोग ऐसे गंदे गंदे वाहियात स्टेटमेंट करते हुए पास करके उसके ऊपर एड्स लगा के कमर्शियलाइज करके उसको सोशल मीडिया पे बेच देते हैं। आपके सब्सक्राइबर कहते हैं वाओ दीदू, वाओ जीजू, यू आर कूल, यू आर सो नाइस, आई रियली लव योर व्लॉग्स एंड व्हाट नॉट। इसके अलावा ये सारी चीजें जो हैं, इस टाइप की फालतू चीजें जो होती है ना, कुछ ऐसी चीजों को मैं अपनी कम्युनिटी में जगह दे देती हूँ। जो ये कम्युनिटी में मैंने ये चीज बोली, वो मेरे जो सब्सक्राइबर्स थे वो डिस्कस कर ही रहे थे कि अचानक मैंने देखा एक कमेंट, मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मुझे इनका एक वीडियो सजेस्ट किया, जो वीडियो था 30th July 2018 का। यहाँ पे मैं टाइटल लगा दूंगी, अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग भी जाके देख लेना। 10:55 पर यही औरत अपनी पैंटी फ्लॉन्ट करते हुए नजर आई। कहती है सुबह का टाइम है, मैं उठ गई हूँ, मुझे नाश्ता बनाना है, मुझे नहाना है, पता नहीं क्या क्या करना है। इनका कुछ फास्ट भी था, इनको पीरियड्स भी हो गए थे, और ये यूं कैमरा लेके पूरे घर में घूम रही थी। 10:55 पे ये कैमरा नीचे करती है अपने कुत्ते को, जो क्रेट के अंदर बंद है, वो दिखाने के लिए। और यूं नीचे करते करते इनके वेस्ट लाइन से इनका कैमरा नीचे जाता है, जहां इन्होंने सिर्फ पैंटी पहनी है। इन्होंने अपना पूरा पैर भी दिखाया। फिर इन्हें शायद रियलाइज हुआ कि ओह शायद मेरा पैर कैप्चर हो रहा है, तो इन्होंने अपना पैर पीछे खींच लिया। लेकिन क्या आपको एडिटिंग आती नहीं है, या तब आती नहीं थी? क्योंकि रिसेंटली इन्होंने अपने एक व्लॉग में बहुत बड़ा जस्टिफिकेशन दिया है कि मेरी एक जीन्स थी वो ढीली हो गई थी, तो कार में बैठते हैं तो वो नीचे सरक जाती है, उसकी जिप ही हो जाती है, तो मैं जिप ठीक कर रही थी तो मैंने वहां पे स्माइली लगा दिया। तो जब आपकी पूरी पैंटी दिख रही थी तो वहां पे स्माइली क्यों नहीं चिपकाया आपने? क्योंकि उस वक्त शायद आपके पास सब्सक्राइबर नहीं थे। और ये यही आप लोगों की सक्सेस का राज है। एक ये है और एक दूसरी लखनऊ वाली है, वो खरगोशों की अम्मा जो है, उनके चैनल पर भी एक वीडियो है जहां पे ये सीन अभी भी मौजूद है। और वहां पे नीचे किसी ने कमेंट किया है, हा 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 दीदू तुम तो नीचे कुछ पहनना भूल गई, तो दीदू लिखती है मैंने शॉर्ट्स पहनी है। ये है आप लोग की सक्सेस का राज, ऐसे मिलते हैं आप लोगों को सब्सक्राइबर। तो सॉरी, हम लोग ऐसे लोगों से जलते भी नहीं है और ऐसे लोगों की सक्सेस से हमें कोई लेना देना भी नहीं है, क्योंकि ऐसे सब्सक्राइबर गेन करने से अच्छा है कि जो ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर्स आते हैं, दे आर द बेस्ट, वो यहाँ पे रुक के रहते हैं।
स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, सो प्लीज डोंट कम एंड टेल अस दैट वी आर जेलस ऑफ दीज लेडीज जो अपनी चड्डी दिखा दिखा के और जाने क्या क्या दिखा दिखा के डिस्चार्ज एंड चड्डी एंड सेक्स एंड आई डोंट नो व्हाट नॉट या गाइस, इन लोगों ने कुछ भी नहीं छोड़ा है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, सारी गंदी चीजें कवर कर ली और कहते हैं हम फैमिली फ्रेंडली कॉन्टेंट बनाने वाले डेली व्लॉगर्स हैं। रियली मतलब डेली व्लॉगर्स हो, ऐसे ही आप लोगों ने क्या सब्सक्राइबर्स जोड़े हैं। अब इनके फ्रॉक उड़ाने वाले वीडियो की अगर मैं बात करूं तो आप मान लीजिए कि आप इनकी सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, मान लीजिए आप इनकी सब्सक्राइबर हैं, आपके घर में एक टीनेजर लड़का है या मे भी उससे भी छोटा लड़का है, 10 12 15 साल किसी भी एज का, जिस भी एज का आपका लड़का हो, समझ लीजिए वो उसने बाई चांस आपका मोबाइल उठाया और इनका व्लॉग सजेस्ट हो गया, वो देखने लगा और वो देखता है कि अंकल ने तो आंटी की फ्रॉक उड़ा दी, अब मैं भी स्कूल में कल यही काम करूंगा। और उसने स्कूल में जाके किसी लड़की की स्कर्ट उठा दी, उसके बाद क्या होएगा, कंप्लेंट होएगी, आपके घर में कंप्लेंट आएगी, फिर आप क्या बोलोगे कि आप सीबीसी के व्लॉग्स देखते हो इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ। अरे भाई देखने से पहले ना सोचिए, डेटा तो वेस्ट नहीं हो रहा आप लोगों का। तो और एज रेस्ट्रिक्शन डालते नहीं है, आप कोई 5 साल की लड़की नहीं है मैडम चंदनी जी, आप 5 साल की लड़की नहीं है कि आप यूं पैंटी दिख रही है आपकी, आपने स्माइली चिपकाया नहीं, आपके घर के लोग नहीं देखते, आपके घर के लोग वो व्लॉग नहीं देखते। आप प्रीटी श्योर इतना बोलने के बाद मेरे सब्सक्राइबर्स के अंदर बहुत खलबली होगी कि मैं किस चीज की बात कर रही हूँ, कहाँ पे इन्होंने अपना कुछ कुछ यू नो दिखा दिया है। मैं यहाँ पे क्लिप लगाने वाली हूँ, मैं यहाँ पे क्लिप लगाने वाली हूँ, आप लोग अपने आंखों से देखिएगा, क्योंकि हर चीज का प्रूफ दे देती हूँ मैं। उसके बाद भले ये व्लॉग डिलीट कर दें या प्राइवेट कर दें, दैट्स नॉट ऑफ माय बिजनेस। अगर ये व्लॉग को प्राइवेट करती हैं, दैट मींस इनको समझ में आया कि मैं बोलना क्या चाहती हूँ। आप लोग क्लिप देखिए पहले। तो देख लिया आप लोगों ने, क्लिप भी देख ली, हुआ ना ऐसा इनके चैनल पर। तो अगर ये इन लोगों के चैनल के आगे बढ़ने की सक्सेस स्टोरी है या इस तरह से ये लोग आगे बढ़े हैं, तो भाई ऐसे सब्सक्राइबर आप लोगों को ही मुबारक हो। और आप लोगों से जलने वाले बहुत ही नालायक लोग होंगे जिन्हें ये देख के जलन हो रही होगी कि ये औरतें चट्टियां दिखा दिखा के और अजीबोगरीब हरकत कर करके आगे बढ़ रही हैं। ऐसे सब्सक्राइबर हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए अच्छे घर के पढ़े लिखे सभ्य सुशील सब्सक्राइबर्स। तो प्लीज अगर आप सभ्य सुशील सब्सक्राइबर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आप इनके सब्सक्राइबर हैं तो एक बार सोच लीजिएगा कि कहीं खुदा ना खास्ता आपके घर के किसी लड़के ने इनके वीडियोस देख करके ऐसी हरकत जाके स्कूल या कॉलेज में की, तो आप लोगों के ऊपर परेशानी खड़ी हो सकती है। सिखाते ये लोग कुछ भी नहीं है, सिर्फ बकवास करते हैं और ज्यादा बकवास करते हैं। और एक नया ट्रेंड चला है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि अरे तुम लोग बड़ा ताना देते हो कि हम लोग YouTube से सब कुछ कमाते हैं, ये वो फलाना ढिमकाना, और फिर क्या करते हैं लोग, स्क्रीनशॉट चिपकाते हैं, राइट, YouTube स्टूडियो का स्क्रीनशॉट। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, YouTube स्टूडियो पे जो डॉलर्स दिखते हैं वो एस्टिमेटेड, वर्ड एस्टिमेटेड का मतलब पता है, अंदाजन, आपने इतना कमाया, जो एक्चुअल अर्निंग आपकी होती है ना वो आपकी दिखती है एडसेंस के अकाउंट पर। जब लोग कहते हैं ना, बहुत सारे यूट्यूबर्स और इंडिया के बहुत सारे टेक्निकल चैनल कहते हैं यूट्यूब पैसा काटता है। क्यों कहते हैं, क्योंकि स्टूडियो में कुछ दिखाता है, एडसेंस में कुछ अलग ही पैसा आता है। तो जो आपकी एक्चुअल अर्निंग होती है वो एडसेंस पे दिखती है, यूट्यूब स्टूडियो पे सिर्फ और सिर्फ एस्टिमेटेड दिखती है। और जब आप एस्टिमेटेड सैलरी दिखा के अपने सब्सक्राइबर्स को ये बोल के उल्लू बना रहे हैं कि देखो गाइस हम तो इतना कमाते हैं इतना, तो आप दे रहे हो ठुल्लू बाबा जी का अपने सब्सक्राइबर्स को। क्योंकि अगर आप पीआर करते हो, आपकी मेन इनकम पीआर से होती है, आपके व्यूज से नहीं होती। व्यूज से 200-400 डॉलर आते होंगे जिनके अच्छे व्यूज आते हैं, लेकिन जो लोग पीआर करते हैं वो एक एक पीआर का अपने सब्सक्राइबर बेस के हिसाब से पैसा चार्ज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे रही हूँ, देखा दीदी एक वीडियो का लेती है 25 या 50 हजार, आई एम नॉट श्योर, बट इस हिसाब से वो लेती है
महीने में 3 या 4 वीडियो उस कंपनी को करके दे देती है। फ्लाइंग बीस्ट भैया एक वीडियो का 1.5 लाख लेते हैं, 2 वीडियो 3 वीडियो कंपनी बोल देती है बना के दे दो। तो वो होती है आप लोग की मेन अर्निंग, आप लोग की मेन अर्निंग व्यूज से नहीं होती है, आप लोग की मेन अर्निंग पीआर से होती है। तो अपने सब्सक्राइबर्स को उल्लू बनाना छोड़ दो, क्योंकि अब आप लोग को लिखना पड़ेगा यू आर वॉचिंग एन एडवर्टाइजमेंट। ओ माई गॉड कितने सारे लोगों का कॉन्टेंट अब एडवर्टाइजमेंट बन जाएगा। वैसे इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी जो है वो लगाने तो लग गई है दिस वीडियो हैज पेड प्रमोशन, बट उनको मालूम नहीं है कि वीडियो 2 मिनट से लंबा हो तो ज्यादा लंबी ड्यूरेशन के लिए लगाना पड़ता है, और ये नहीं लगाना पड़ता दिस वीडियो हैज पेड प्रमोशन दैट इज नॉट नेसेसरी। जो जरूरी होने वाला है 31 मार्च से उसका डिस्क्लोजर ये होने वाला है यू आर वॉचिंग एन एडवर्टाइजमेंट। बड़ा बड़ा यहाँ पे लिख के आना चाहिए, यहाँ पे लिख के आना चाहिए यू आर वॉचिंग एन एडवर्टाइजमेंट। मतलब आप कॉन्टेंट नहीं देख रहे हो, आप एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी ये चंदनी जी से मैं बोलूंगी कि भाई क्यों आप तो शेयर ही नहीं हो, क्यों वेट कर रही हो? फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर आप तो 3 महीने में, आपके हस्बैंड ने बोला था सोशल मीडिया पे कि आपका बेबी हो जाएगा। तो एनीवेज ऑल द बेस्ट फॉर योर बेबी। एंड ऐसे चड्डी वड्डी पहन के ना जब वीडियो बनाओ तो स्माइली चिपका दो। हाँ, जिप बंद करते समय स्माइली चिपकाना इज नॉट दैट नेसेसरी, जितना चड्डी दिख रही है वहां पे स्माइली लगाना जरूरी है। जैसे यहाँ पे आपके फोटो के ऊपर मैं स्माइली लगा रही हूँ ना, हो सके तो ट्राई करना, वैसे तो अब लग नहीं सकता है, बट हो सके तो उस वीडियो को प्राइवेट कर देना, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद उस पर बहुत व्यूज आने वाले हैं। मैं बता रही हूँ, मुझे पता है मेरे सब्सक्राइबर बहुत बदमाश है, ये लोग जाएंगे ही जाएंगे, 10:55 पे ही देखना, ज्यादा पूरा वीडियो देख के सारा व्यू मत दे देना, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छी चीज नहीं है। बट आई वॉज वेरी अपसेट। और रही बात की मुझे धमकी देने की, तो धमकी दे दो, जो करना है कर लो, आई डोंट केयर, आई केयर अ डक, आई डोंट इवन गिव इट अ फ्लाइंग। तो गाइज आज के लिए इतना ही, एंड मिलती हूँ बहुत ही जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो के बाद। लेकिन वन मोर थिंग, जाने से पहले एक चीज क्लियर करना चाहूंगी। कुछ मेरे एक्स सब्सक्राइबर्स हैं जिन्हें अचानक से एक गलतफहमी हो गई कि मेरी कुछ ब्लॉगर्स के साथ दोस्ती हो गई है, तो मुझे ये नहीं पता कि आप लोग को ये सारी कूड़े जैसी इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है। बट अगर आप लोग को लगता है मैं झिंगुर के ऊपर वीडियो नहीं बना रही हूँ जस्ट बिकॉज झिंगुर ने बिना नाम लिए किसी की तारीफ कर दी और आप लोग ने अज्यूम कर लिया कि वो मैं हूँ, तो चलो अगर वो मैं हूँ, उसने मेरी तारीफ कर दी तो उसने मेरी परमिशन ली नहीं थी। और दूसरी बात, मैं सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए किसी के पीछे नहीं पड़ती कि उसकी किसी की माँ की तबीयत खराब है तो बोल दू उसको कोरोना हो गया, किसी के पिताजी अगर बैकग्राउंड में झाड़ू लगा रहे हैं तो मैं बोल दू कि अरे ससुर से झाड़ू लगा रही है, ये काम नहीं है मेरा, ये मेरा काम नहीं है। दिस इज बिचिंग विच आई डोंट डू। व्हेन आई सी समथिंग रॉन्ग आई मेक अ वीडियो, सिंपल एज दैट। ओके, 4 भाई बहन आपस में लड़ाई कर रहे हैं, भाई आपस में लड़े हैं, तांडव करे हैं, बाल नोच नोच के लड़े हैं। अगर सोशल मीडिया पे नहीं आ रहा, अगर आपको किसी के ब्लॉग पे नहीं दिख रहा, मैं हवा में तीर मार करके उसको अपना कंटेंट नहीं बना दी, तो इसलिए जब तक कुछ बड़ा नहीं हो जाता डोंट एक्सपेक्ट मी टू मेक वीडियो ऑन एनी ऑफ दीज ब्लॉगर्स। जब ये बड़ा वाला ब्लंडर करेंगे ना, देन आई विल कम अप विद अ वीडियो। एंड मैंने एक्स जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको बोल रहे हैं, आप लोग साथ कोई बॉन्ड साइन नहीं किया था मैंने कि इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी। मैं किसी के ऊपर भी वीडियो बना सकती हूँ, मैं किसी की परमिशन से किसी के कहने से वीडियो नहीं बनाती। जो मुझे लगता है कि मेरे सब्सक्राइबर्स को जानना जरूरी है उस पर मैं वीडियो बनाती हूँ। सो प्लीज डोंट कम एंड टाइप सार्कास्टिक कमेंट्स ऑन माई चैनल बिकॉज दिस इज अ हाईली फिल्टर्ड जोन, यू नो योर कॉमेंट इज लाइंग इन द रिव्यू सेक्शन, नोबडी कैन रीड इट। सो आज के लिए इतना ही, एंड मेरे सब्सक्राइबर्स आई लव यू ऑल। और मेरे जो हेयर स्टाइल का आज जो राज है वो ये है कि बॉम्बे में बहुत गर्मी है, इसलिए मैंने बाल पूरे पान के ऊपर कर रखे हैं। सो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी। सो टिल आई मीट यू नेक्स्ट, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी पोगो ने मुझे कितना परेशान किया है पिछले 3 दिनों में। सो जुड़े रहिए मेरे से, टेक केयर, बाय, लव यू, सब्सक्राइब कर लो।